और जो बच्चों को पढ़ाने के कारण जब मैं वर्दी में जाता हूँ तो मुझे खाकी वाले गुरुजी के नाम से इस जनपद अयोध्या में तो लोग जानते ही हैं, अधिकतर जो आसपास के जनपद हैं सभी लोग खाकी वाले गुरुजी के नाम से मुझे बुलाते हैं। अयोध्या के कोतवाली में पुलिस अफसर रंजीत सिंह यादव अपनी ड्यूटी तो पूरी ईमानदारी से निभाते ही है, जिसकी वजह से उन्हें लोग रंजीत सुपर कॉप भी बुलाते हैं। लेकिन इसके अलावा वो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और भीख मांगने वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं। दरअसल रंजीत ने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा कि कई बच्चे अयोध्या घाट पर भीख मांगते थे। उन्होंने इन बच्चों से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए एक दिन वो बच्चों की बस्ती में पहुंच गए। फिर एक दिन सुबह वहां पर हम गए और कि आप लोग इस तरह से क्यों करते हैं, उनसे पूछताछ हमने किया कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कि पढ़ना चाह रहे कि नहीं। तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो गार्जियन कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे वास्तव में, लेकिन उनको साधन नहीं मिल रहा था। वो कई लोग बोलते थे कि हमारे पास आधार कार्ड की कमी है। तो हमने कहा कि नहीं, हम आपको कल से पढ़ाएंगे। तो बस फिर रंजीत ने खजुआ कुंड के पास मलिन बस्ती में अपना स्कूल शुरू किया और उस दिन बड़े उत्साहित थे बच्चे, सब लगा है उनको स्लेट पेंसिल रबर कटर इत्यादि सब दिया, तो बड़े प्रसन्नता थी उनके मन में और एक झलक थी उनके अंदर, एक आस थी कि कोई आ गया है हमको आगे ले जाएगा, कोई आ गया है हमको इस मलिन बस्ती से, इस जो हमारी जो गंदगी है, जो हम लोग बिछड़े हुए हैं और इस जाल में मकर जाल में फंसे हुए हैं, उससे हमको उबारेगा। आज इन सभी बच्चों को रंजीत में एक उम्मीद नजर आती है। रंजीत यादव इसके अलावा और भी कई तरह की समाज सेवा करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। रंजीत ने एक बेहतर भारत का सपना देखा है, जिसे पूरा करने के लिए वो पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। इस तरह की मुहिम से मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो गरीबी हमारे देश में है वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही मिट सकती है। रंजीत यादव की इस नेक पहल को द बेटर इंडिया सलाम करता है।